जैसे हम लोगों की हथेली देख के, कुंडली देख के उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता सकते, उस व्यक्ति के फ्यूचर के बारे में बता सकते, उसी तरह अंग तुच्छ के माध्यम से हम लोग अंगों का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। जैसे हमारे जीवन में ग्रहों का, प्लैनेट का एक अलग अलग इफेक्ट रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट, उसी तरह अंगों की माने तो अंग ज्योतिष के माध्यम से ऐसा ही इफेक्ट हमारे जीवन में पड़ता है। तो आज मैं बात करूँगा भाग्यांक, भाग्यांक एक के बारे में। इससे पहले मैं मूलांक के ऊपर 1 से लेकर 9 तक वीडियो बना चुका हूँ, 9 अंकों तक। तो आपने अगर वीडियो को नहीं देखा तो चैनल में जाके आप देख सकते हैं। आज मैं भाग्यांक एक के बारे में बात करूँगा। भाग्यांक एक के ऊपर मैंने सारे सीक्रेट और सारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट सब कुछ बता दिया इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे क्या होगा, मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा उसका फ्री नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जिस व्यक्ति ने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इतने कम समय में इतना प्यार देने के लिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। मूलांक हमें क्या दिखाता है? मूलांक हमें सिखाता है जो नॉलेज हमारे अंदर जो मूल होता है उसको बारे में बताते हैं, और भाग्यांक हमारे भाग्य के बारे में बताते हैं। जिस दिन हम जन्म हुए उस दिन से, जन्म से हमारे जन्म के ऊपर जो क्या इफेक्ट आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सब कुछ भाग्यांक बताते हैं। हमारे भाग्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में, हमारे गलतियों के बारे में, क्या फ्यूचर में होना, सब कुछ भाग्यांक से हमें पता चलता है। अगर आप घर, मकान, गाड़ी खरीदते हैं उसका टोटल करेंगे, अगर उसका टोटल एक है, अगर आपका भाग्यांक भी एक है और उस गाड़ी का नंबर टोटल करके भी एक है, तो आपको उस कार को ख़रीदना चाहिए, उससे आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। अगर आपके भाग्यांक में जितना ज़्यादा 0 होगा उससे आप उतना ज़्यादा इफेक्ट करेगा। जैसे 1 से लेकर 9 तक कहीं पर विंडो व काउंटर है, तो आप 1 नंबर पर जाएंगे, वहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ऐसे ही अगर आप 1 से लेकर 20 तक है कोई काउंटर, तो अगर 10 नंबर पे आप जाएंगे वहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा। मतलब जितना 0 आपके भाग्यांक में लगेगा उस तरह ऐसा मिलेगा। आप सोच रहे होंगे भाग्यांक हमें कैसे पता चलेगा, समझ लीजिए किसी भी, जैसे XYZ इस व्यक्ति का जन्म 19 अप्रैल को हुआ है और 1990 में हुआ है, इसी तरह हम उस डेट जो है उसको हम प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद जो आखिरी नंबर आता है मतलब 6, तो उसका भाग्यांक हो गया 6। अगर इसी तरह आपका भी टोटल 6 आता है तो आपका भाग्यांक 6 है, अगर आपका टोटल 1 आता है उसी तरह आपका भाग्यांक 1 है। भाग्यांक 1 के लॉर्ड होते हैं सूर्य, मतलब जिस व्यक्ति की भाग्यांक 1 है उसका अंदर ऊर्जा, एक्साइटमेंट, तेजी, फुर्ती, नॉलेज, कुछ भी समझने की ताकत, स्ट्रॉन्ग, ये सब कुछ उस व्यक्ति में होगा। कोई भी चीज़ को, कोई भी सब्जेक्ट को बहुत डीपली समझ सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा जोश और कॉन्फिडेंस रहता है। कभी कभी इस जोश के कारण ये लोग बहुत ज़्यादा गलती भी कर देते हैं। इस व्यक्ति के स्वभाव में मतलब भाग्या एक मतलब शुरुआत, अंकों का शुरुआत जो कहता है हम 1 से करते हैं, तो ये व्यक्ति हमेशा कोई भी काम शुरुआत करता है, शुरुआत करके रखता है, मतलब कोई भी काम ये लोग शुरुआत करता है, लेकिन आखिर तक जाते आते इसका कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है, ब्रेक हो जाता है, या फिर दिमाग कहीं पर घूम जाता है और उस काम को अधूरा कभी कभी छोड़ के भी चला जाता है। भाग्यांक एक के जातक और जातिका, ये लोग जन्म से ही लीडरशिप क्वालिटी को लेकर जन्म हुए, इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी देखी गई है। ये लोग हमेशा बहुत ऊँचे पद में काम करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इन लोगों के सपने बहुत ही ऊँचे ऊँचे होते हैं। ये लोग ऐसा काम करना पसंद करता है जिसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, शॉर्ट टर्म प्लानिंग इन लोगों को पसंद नहीं आता, इसमें बहुत तेज होता है इन लोगों में। और ये लोग भाग के लेकर चलते हैं, मतलब इन लोगों की आर्थिक अवस्था बहुत ही बढ़िया होता है बाकी भाग्यांक से। इन लोगों को सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं और ये लोग जॉब में बहुत ज़्यादा उन्नति करते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए व्यवसाय उसी तरह ही अच्छे फल भी लाता है। जैसे इन लोगों का गवर्नमेंट जॉब अच्छा होता है, इसी तरह इन लोगों के लिए बिजनेस ही बहुत बढ़िया होता है। इन लोगों का साफल्य, मतलब साफल्य, सुख और उन्नति इन लोगों के साथ हमेशा चलता है। कभी कभी ये लोग अपने आप को ठीक से समझ नहीं पाते इसलिए बहक जाते हैं, ये लोग दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और इन लोगों की दोस्तों की संख्या थोड़े से कम होती है। ये लोग
भाग्यांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 8 के साथ फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, मैरिज, शादी, सब कुछ इन लोगों के साथ कर सकते हैं। 9 के साथ फ्रेंडशिप करना ही ठीक है भाग्यांक 9 के साथ, लेकिन आप लोगों को 7 मूलांक के साथ, 7 भाग्यांक के साथ थोड़ा दूरी बनाए रखने आपको अच्छा होगा आप लोगों के लिए। आप लोगों के अंदर नॉलेज तो बहुत होता है, ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन आप लोग उस ज्ञान को सही दिशा पर नहीं ले जा सकते, आप लोग बहक जाते हैं। आप लोग के नेचर बहुत ही बढ़िया होता है, अच्छे होते हैं, आप लोग सीधे सीधे बात करना पसंद करते हैं, किसी भी इंसान के मुँह के ऊपर उसकी गलती बता देना आप लोग पसंद करते हैं, और कभी कभी इसी वजह से लोग आपको पसंद नहीं करते और आपसे दूरी बनाए रखते हैं। आप लोग मेहनत से कोई भी काम करना पसंद करते हैं, मेहनत से कामयाबी को हासिल करना पसंद करते हैं। आप लोगों के अंदर थोड़ी सी मानसिक तनाव चलता रहता है हमेशा। अगर मैं आपकी ज़िंदगी में दो हिस्सों में भागूं, तो एक तरफ आप राजा की तरह जीते हैं, दूसरी तरफ आप बहुत परेशान रहते हैं। जैसे सूरज के ऊपर राहु का ग्रहण लगता है, उसी तरह आपके जीवन में भी राहु का एक ग्रहण ज़रूर लगता है। उससे जब ग्रहण लगता है आपके जीवन में राहु का, जीवन में एक बार ज़रूर लगता है, इससे क्या होता है आप लोगों के जीवन में उथल पुथल आ जाते हैं, आप लोगों का कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है। आप तो जानते हैं लॉरेंस, आप लोग उस पर गलती कर देते हैं, कोई भी काम शुरुआत करके उसे ख़त्म नहीं कर पाते। आप लोग जब जीवन में ऊंचाई हासिल कर लेते हैं, तब पता नहीं आप लोगों के अंदर कहाँ से अहंकार आ जाता है, और इस अहंकार के कारण लोग आपसे दूरी बनाए लेता है, और इस अहंकार कभी कभी आप लोगों का जीवन में एक बुरा असर दिखाता है। आपका ज़िंदगी का 19 साल से एक स्टार्टअप होता है 19 साल से। आप लोग मतलब किसी भी ईयर में, किसी भी उम्र में आपका जो टोटल 1 होगा, उस उम्र में आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है। जैसे 28 साल, 37 साल, 55 साल, इस तरह किसी भी उम्र में आप लोगों के लिए अच्छे रिजल्ट आता है जिसका टोटल 1 है। इसी तरह किसी भी ईयर में, मतलब 1999, 2008, 2017, 2035, 2044, 2026, इस साल में आपके लिए बढ़िया रिजल्ट आता है, क्योंकि इनका टोटल भी 1 होता है। आप लोगों के लिए मैं कुछ सलाह ज़रूर देना चाहूँगा। जब आप लोग बहुत ज़्यादा, आप लोगों की ज़िंदगी में जब उथल पुथल आ जाए, तब आप लोग परेशान बिल्कुल मत होना। आप लोग अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना, इससे आप लोगों की कॉन्फिडेंस कभी ब्रेक नहीं होगा। आप लोग आपको कभी भी घर पर बंद मत करना। उसी तरह आप लोग कोशिश करना सुबह उठ के सूर्य प्रणाम करें, जल्दी जल्दी उठना, ज़्यादा देर तक सोना नहीं। और जब आप ऊंचाई पे चले जाए, तब आपके अंदर जो अहंकार आता है उससे आपको थोड़ा दूरी बनाए रखना चाहिए, और उसी तरह बातों में थोड़ा सा मिठास लाइए। आप लोगों में आँखों में एक चमक होती है, आँखें बहुत ही तेज होती है आप लोगों का, चेहरे में एक लालिमा नहीं होती है आप लोगों में, देखा गया है। आप लोगों को भीड़ में भी पहचाना जा सकता है, आपके दांत मजबूत होते हैं, और आप लोग बहुत शक्तिशाली भी होते हैं, वेल बिल्डअप भी होते हैं आप लोग, आपकी आवाज़ में एक रौबदार बात होती है, दूर से देख के आपको पहचाना जा सकता है। आप लोग सभी के आगे रहना पसंद करते हैं, लीड करना पसंद करते हैं, आप लोगों के अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होती है, और जोश बहुत ही होते हैं आप लोगों में। आप लोग साहसी होते हैं, राजा की तरह रहना पसंद करते हैं, और स्वाभिमानी होते हैं, जिसके कारण आप लोग किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते। आप लोग बहुत फ्रीडम पसंद करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट इनकम करना पसंद करते हैं, दूसरों की मदद करना मैंने पहले ही कह लिया, आप लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। घर हो या फिर बाहर, आप लोग चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनकर चले। आप लोग दिल वाले, उदार, दयालु किस्म के भी होते हैं, हेल्पफुल भी बहुत होते हैं। नाम और जस आप लोगों को बहुत मिलता है। आप लोगों में पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि होता है, और अच्छे नंबर से आप लोग पास भी कर लेते हैं। स्कूल में, कॉलेज में आप लोग मॉनिटर या फिर यूनियन लीडर भी होते हैं। आप लोग जीत के कारण कभी कभी शिक्षा को बीच में छोड़ देते हैं। आप लोग काम को लेकर कभी भी समझौता नहीं करते।
आप लोगों में शारीरिक क्षमता से ज़्यादा आप लोग मानसिक क्षमता से काम करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ट्रैवलिंग आप लोग बहुत करते हैं और ट्रैवलिंग से आप लोग बहुत ज़्यादा नॉलेज भी लेते हैं। आप लोग मैनेजिंग डायरेक्टर, IAS ऑफिसर, कंप्यूटर, ब्यूरोक्रेसी, डॉक्टर, सर्जन, इलेक्ट्रिसिटी, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, मार्केटिंग, डिज़ाइन मार्केटिंग, इस सब में आप लोगों को काम करना बहुत पसंद करते हैं। आप लोग बिजनेस होगा, जॉब, आप लोग दोनों में ही सफल बहुत ज़्यादा होता है। डेवलपमेंट आप लोगों की लाइफ में बहुत होता है। आप लोग सेविंग बहुत ही कम करते हैं क्योंकि आप लोगों की लाइफ में इनकम बहुत आता है लेकिन आप लोग उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा उसमें कर देते हैं। आप लोगों को कभी कभी देखा गया कि आप लोग जुए, दारू, इस सब में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। आमतौर पर आप लोगों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि आप लोग रोमांटिक है। आप लोगों को देखकर कोई भी कहेगा कि आप लोग बहुत ही सख्त इंसान हैं और बहुत ही अनरोमांटिक, लेकिन एक सच नहीं है, आप लोग बहुत ही रोमांटिक किस्म के भी आदमी हैं। आप लोगों को शौक रहता है लव मैरिज करने का और ज़्यादातर इंसान में होता है क्योंकि आप लोग बहुत ईमानदार, रॉयल होते, बहुत ही कमिटेड होते और आप लोगों को संतान का सुख बहुत ही मिलता है। आपको किसी का टोकना पसंद नहीं आता। आप लोग बहुत ही बहादुर होते हैं और सब काम जल्दीबाजी में करना पसंद करते हैं। बहुत ही जल्दी जल्दी करना थोड़ा पसंद करते हैं। ये बात सही है। आप लोगों के रविवार, सोमवार, शुक्रवार बहुत बढ़िया रहता है। आप लोगों को सफ़ेद, येलो, ग्रीन आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आप लोगों को काले और बैंगनी रंग से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए और डीप ब्रेथ से आपको थोड़ा दूरी बनाए रखना चाहिए। मैं ज़रूर कहूँगा आप लोग सुबह उठ के सूर्या प्रणाम ज़रूर करिए तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक और शेयर, कमेंट करना ना भूले। इसी तरह मेरे बाकी वीडियो भी देखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।